होना है। पिछले कुछ दिनों से, एक दो महीनों से हम देख रहे हैं पुलिस का रवैया या एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया वकीलों की तरफ ऐसा हो गया है कि आप मतलब आपसे नहीं कि अगर नॉन नोइंग पर्सन एक एडवोकेट उसके साथ ही कुछ ऐसे हादसे आ रहे हैं तो हम ये सोचने वाली बात है कि आम वकीलों के साथ क्या हो रहा होगा। मैं आपको वाकया बताता हूँ। आज से दो दिन पहले हमारे एक वकला साहिबान है, यहाँ से जा रहे थे कहीं पे, ट्रैफिक DTI है, कंसर्न DTI है, आपने जानीपुर के DTI हैं, उन्होंने उनको रोका, उन्होंने अपनी एडमिशन की, ठीक है मैंने हेलमेट नहीं पहनी है, मुझे एडमिटेड है, ऑन मीडिया है, ऑन जो उन्होंने एप्लीकेशन भी सीजन की, उन्होंने लिखा कि हेलमेट में नहीं था, बिल्कुल उन्होंने बोला, लेकिन वहाँ पर उनका रवैया, उन्होंने बोला मेरा चलान कीजिए, बट वो बोलते हैं चलान नहीं करेंगे, आप हमसे माफ़ी मांगिए, पांच बारी माफ़ी मांगिए और वहाँ पे ताड़ियाँ बजाएगी, ये कौन है कि वकीलों के साथ जानबूझ के ह्यूमिलेशन किया जाए। उसी के दो दिन पहले का वाक़या है, पिछले सोमवार का वाक़या, हमारे सीनियर वकील मुनी चोपड़ा जी, पुलिस स्टेशन त्रिकुटा नगर से उनको कॉल आता है कि आइए आपको आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है, ये कहाँ का यहाँ कहाँ आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वकीलों को भी एप्लीकेशन मतलब कि वकीलों को भी अक्यूज़ बना के मुजरिम बना के थानों में बिठाया जाता है, बिल्कुल, और आप तो ये हो गया कि अगर वकील किसी देता है ऑपोजिट पार्टी उठ के उसका दरखास्त में नाम देके और पर्चा दर्ज करने के लिए अंदर उसको रख दी जाएंगी, और जब हम मौके पर जब वहाँ पर मैं पहुँचा, मैं उस मौके का उस बकों का मैं आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ पे मेरे साथ और मुकला साहिबन वहाँ जा पहुँचे, वकील एक पुलिस ऑफिसर है बलबीर सिंह जी, उन्होंने रोके का मेरे सामने पुलिस चोपड़ा जी से बदतमीजी की, क्योंकि उनको हमने बताया नहीं था हम कौन है, उन्होंने हमने सोचा कि आम नागरिक हम चुप करके वहाँ देखे, हम इनकी एक्टिविटीज़ को नोट कर रहे थे, उन्होंने इनका फ़ोन छीना और यहाँ पे इंसिडेंट वहाँ पे मौके के पार्टीज़ ने इनकी पार्टी पर अटैक कर दिया। चलो ठीक है वो उस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने उस मुद्दे के लिए उनका फ़ोन ज़बरदस्ती छीना गया, उनसे बदतमीजी की गई, जब हमने बोला आप इनको क्यों बिठाई, नहीं इनके खिलाफ एप्लीकेशन आई है किस हफ्ते